असेबज़ादा की मंजिल है एक ऐसा ज़ेरे तमीर घर जो चाहते हुए भी तमीर ना हो सका। इलाका मकीनों के मुताबिक ये घर 10 साल से वीरान पड़ा है। मजदूरों का छत से गिरना और कुछ तो अपने बोरिया बिस्तर यहीं छोड़कर भाग गए। इन तमाम वजूहात की वजह है यहाँ पे गैर मरी मखलूकात का होना। जी मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ पिछले तकरीबन, तो रात मेरे ख्याल से 9 या 10 बजे के बाद यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि यहाँ से मुझे ईंटें आके ना तकरीबन लगने ही लगी थी, मैं अल्लाह ने मुझे बचाया। यहाँ से तो तकरीबन मैं गुजरा कभी नहीं। अब तो मैं उस जिस दिन के साथ मेरे साथ वो हादसा हुआ उस दिन के बाद तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आया और ना ही इंशाल्लाह आऊँगा, अल्लाह ना ही लेके आए, क्योंकि अजीबो गरीब यहाँ से आवाज़ें आती हैं, जानवर यहाँ पर आते हैं, अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर, ये तकरीबन 2-3 साल हो गए ये यहाँ पे खड़ी है। मज़दूर आते हैं, आके काम करते हैं, कुछ अर्से बाद भाग जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने दीवार खड़ी की है, वो दीवार रात को छोड़ के जाते थे, सुबह आते थे वो दीवार टूटी होती थी। ठीक है, इस तरह मज़दूर आते हैं, आके चले जाना उनका, तो ये बड़ा असेब एक किस्म की ना, वो कहते हैं लोग कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो इस वजह से हम रात को यहाँ से गुजरते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असेबज़दा, मैं हूं शारे फारूकी और मैं हूं नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन हमें हाउस रिपोर्ट किया गया, और यहां पे कहानियां ये हैं कि कोई भी यहां पे मजदूर तबका नजफ यहां पे काम करने को राजी नहीं है। आए दिन कोई मजदूर यहाँ पे किसी को चोट लग जाती है, कोई काम छोड़ के यहाँ से चला जाता है। और जब हमारी ऑनर से बात हुई या इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, इर्द गिर्द जो घर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस घर में काफ़ी दफ़ा मज़दूर रखे गए हैं और काम करना वो शुरू भी करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता था कि वो खुद ही काम छोड़ देते थे और हाँ। भाग जाते थे। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों ने बताया भी और बाज़ दफ़ा कुछ लोग वैसे ही चले गए। क्या वजूहात बनी, क्यों हुआ ऐसा, और जो हमने कहानियाँ सुनी वो किस हद तक दुरुस्त हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, तहकीकात का आगाज करेंगे बगैर वक्त ज़ाया किए। ये है कि कुछ तो लोग राजी नहीं है कैमरा पे आने से। हमने बड़ी कोशिश की, कुछ तो छोड़ गए जिनके साथ वाकया हुआ है। अभी हम उस घर में मौजूद हैं, इर्द गिर्द के लोगों ने हमें बहुत ईमेल्स किए, हमें मैसेज किया कि इस घर में कोई ऐसा मामला है जो आए दिन यहाँ पे मामला, मतलब कुछ ऐसा फेमस घर होते हैं इलाके में जो कि एक भूत बंगला बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुशारी बीबी अभी आगे करते हैं, बिल्कुल हाँ। आए अभी आगे चलते हैं, और थोड़ा बारिश का भी मौसम हुआ है नजर, और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ईएमएफ ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बारिश भी है और हम हॉन्टेड जगह पे भी हैं, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बन के, और हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, चीज़ें मजदूरों की अपनी वहाँ पे ही हैं और बिल्कुल खामोशी है इधर। अच्छा, सामान मुशारिफ उनका इधर ही पड़ा हुआ है और सब छोड़ के चले गए। हाँ, मतलब एक मजदूर आता है और वो दूसरा चला जाता है, तो इधर हम देखते हैं क्या कुछ चीज यहाँ पे है। हम आपकी जगह पे आए हैं, क्या आपने होने का साथ दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। इधर एक आगे आइए, आप आगे दिखाइए। अच्छा, इसकी आर्किटेक्चर को देखा जाए तो मतलब काफी काम हुआ है यहाँ पर, लेकिन क्यों चले जाते हैं इसी का जवाब आज हम ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पर। कोशिश करेंगे यहाँ पे जो चीजें हमसे बात करें। क्या कोई है यहाँ पे? कुछ चीज है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है यहाँ पर इस वक्त। ये ऐसे है, अभी ऊपर
इसका ये है कि रास्ता बंद हुआ हुआ, बस अभी हम एक समझे ना कुत्तों की भौंकने की बात ज़्यादा आ रही है। क्या अपना होने का साथ दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुँचाए? थोड़े ऊपर दिखेंगे साइड पे है हम इधर ही रख कौन है वो बिल्ली भी दिखी इधर 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 वो बिल्ली भी देखो इधर इधर वो सामने 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 कैसे ऊपर 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 दिखा नजर आ रही है ज़ूम करो ज़ूम आई क्या ये आप ही हैं प्रलोक उसकी आंखें नजर आ रही हैं क्या ये आप ही हैं प्रलोक उसकी आंखें नजर आ रही हैं हो क्या ये कायदा तौर पर उसकी आंखें नजर आ रही हैं इस पर ऐसे नजर अभी ये हुआ है कि हम लोगों ने बात की है वो चीजें गिरी हैं और चीज गिरते ही वो एक हम कह सकते हैं कि बिल्ली के रूप में आई है। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ जिन्नात जो हैं आसेब जो हैं बिल्ली कुत्ता इंसान और सांप की शक्ल में आते हैं। जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं कुत्तों की आवाजें आ रही हैं बिल्ली भी कैप्चर हुई है बहुत ज्यादा हमें मालूम है कि आप इधर हमारे पास इर्द गिर्द ही हैं आपने बिल्ली की शक्ल में अपने आप को दिखाया है क्या कोई और मौजूदगी का साथ ला सकते हैं चल रहा है कौन है और पे आवाज है आगे चलते हैं देख अभी मैंने थोड़ा सा दिखाया अपना होने का सांस दिखाया कमाल बात ये है कि अभी तक मुशारिब ईएमएफ नहीं बोला है हाँ ईएमएफ नहीं बोला और हम उम्मीद करते हैं कि रीडिंग आए बिल्कुल और उस सामने नहीं मिली निकल आई थी क्या कोई चीज है यहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए कौन है आगे देखो देखो अजीन आवाज आई है ऊपर से आई है या साइड से आई है बहुत शदीद अजीब कुछ ना दीवार के साथ और मतलब कोई गिरा है जैसे हाँ बिल्कुल पहले हम वहाँ पे यहाँ पे मौजूद थे आवाज यहाँ से आ रही थी क्या दोबारा मौजूदगी अब यहाँ पर रहें तो अच्छी दोबारा दिलाएं हमारा ईएमएफ के पास है ये ईएमएफ बजाइए इधर ही बजाइए वहाँ करें कौन हो ये चीज दिखाइए ये जो टेरिटरी है ये थोड़ी डाउटफुल है यहाँ पे लोग नहीं ईएमएफ की रीडिंग देके एहसास दिला सकते हैं चलो शारिब हमें रीडिंग नहीं मिल रही रीडिंग नहीं आ रही हमें रीडिंग नहीं मिल रही है जबकि मिलनी चाहिए ओह ये कैप्चर कीजिए ये ऊपर ये कहाँ से आई ये रात के टाइम इशारा क्या हुआ ये देखें परिंदा है वो सामने
रात के टाइम ये कहाँ से आया? मतलब पहले कुत्तों की आवाजें, फिर बिल्ली का नजर आना और आवाजें हरकत होना, और अब ये रात के टाइम तो नहीं वो सारे मेरे ख्याल में परिंदे आते और जागते? ये हम डॉग में के चिड़िया है या कैप्चर हो रही है? क्या वो ही मखलूक है? ये देखो स्टिल है, मतलब इसे कैप्चर कीजिए। रीडिंग देख के बता सकते हैं आप? ये देखो दिखाओ। यहाँ पे रखिए कैमरा, यहाँ पर। एक कैमरा उधर, एक इधर है। हाँ बिल्कुल। रीडिंग दे सकते हैं? चल रहा है। ये देखे। नाज़िम दोबारा करें, वो हरकत कर रहे हैं, इसे दोबारा कैप्चर कीजिए, इसे इस पे कैप्चर कीजिए आप, और आप अपना कैमरा इधर रखिए। ये देखो ओ अस्तगफिरुल्लाह। इधर ही हो। वो कहाँ गए? वो मूवमेंट कर रही है ये, इस कमरे में मूवमेंट कर रही है। ये क्या है, ये चिड़िया ही? मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ये जिस तरह हमें रिस्पांस कर रही है ना, आप इसकी मूवमेंट चेक करें। ऐसा है कि हमें इससे हम बात करते हैं कि कौन हो तुम, ये अपनी हरकत से हम पे इधर अटैक हो रहा है, बिल्ली का नजर आना, उसके बाद एक ऐसा परिंदा जो इस टाइम यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ये हम पे अटैक की कोशिश ना हो, और लेकिन इसकी मूवमेंट डाउटफुल है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक और बात बताती चलूँ, ये एरिया जो है हर जगह से ओपन है, यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सराउंडिंग में इसी कमरे में मूवमेंट कर रही है। दोबारा सांस ला सकते हैं? हमें मालूम है आप किधर ही हैं। EMS के पास आइए। ये देखें यहाँ पर। ये तो बिल्कुल मेरे पास। दोबारा मौजूदगी दिखाएं। शारिब ये इसी रूम में मूव कर रही है। आप देख रहे हैं? हाँ ये देखिए। दोबारा कुछ कर सकती हैं? या कर सकते हैं? अपने होने का सांस और दिखाइए। ये देखिए। ये अली। इधर ही रहे। दोबारा दिखाएं, हम इधर ही हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। ये देखो। इस पे नजर रखिएगा शबीर, बिल्कुल इसको कैप्चर करते रहें, ये कहाँ पे मूव कर रही है। देखिए हम आपसे यहाँ पे बात करने के लिए आए, आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। क्यों हो यहाँ पे? हाँ हमसे बात कीजिए। फिर कोई चीज़ आवाज आ रही है। एक सेकंड हेलो ना, एक सेकंड रुक जाओ। ली जैसे वाइब्रेशन या ऊं की आवाज होती है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अस्तग़फिरुल्लाह। इस कमरे में, यहाँ से बाहर निकले प्लीज। अस्तग़फिरुल्लाह।
चिड़िया इधर इस कमरे में, यहाँ से बाहर निकले प्लीज। हुशारे बाहर आइए, हुशारे बाहर आइए, इस कमरे में है जो भी चीज मौजूद है, इस कमरे में मौजूद है, बाहर आइए। के लिए जा रहे हैं लेकिन कहाँ गई चिड़िया? हुशारे मैं कह रही हूँ आप बाहर आए प्लीज। क्या दोबारा कर सकते हैं? एक सेकंड बस आपकी मदद कर, हम देखते हैं स्प्लिट होते हैं। ये तो फिर उधर कॉली उधर उधर करें। उस पर भी रखें कैमरा, उस पर रखें सामने कैमरा। कोई है? वो देखो वो देखो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये बाहर आ गए अली, बाहर आइए। नज़रिन की बहुत मस्त है, चलो यार यहां से बाहर आइए प्लीज। बस 2 मिनट फिर हम यहाँ पे। नाज़रीन आपके सामने हो रहा है ये, और हमें यहाँ पे अभी हम पे अटैक ना होते। और किस्म की आवाज से आई जा रही है उसे। अच्छा नाज़रीन ये ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन ऊपर से बंद कर दिया गया है और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। हम वहाँ पे जाना अभी अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं पहुँच सकते, बहुत कच्चा रास्ता है। बिल्कुल मुशारिफ, जब हमने बात की थी उन्होंने कहा था ऊपर कच्चा है, जाएंगे गिरने का खतरा है। क्योंकि ये जो बात है, ये जो मामला शुरू हुए हैं, ये कुछ वक्त पहले हुए हैं। और यार वो अंदर अभी भी चिड़िया जो है ना वो घूम रही है उधर ही। हम वहाँ पे कैमरा प्लेस कर देते हैं। हाँ भी करते हैं। बिल्कुल कैमरा प्लेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर क्या चीज है, हो सकता है कुछ नोट हो जाए। चलो फिर नाज़रीन इसके साथ वाला जो कंस्ट्रक्शन एरिया वो भी देख लेते हैं जो उसके साथ ही बन रहा है। तो अच्छा नज़फ ये उसके साथ ही जो एरिया है ये एक ही प्लॉट है और ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि अभी ये थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट हो गया, ये जगह कंस्ट्रक्ट अभी नहीं हुई। और अंदर मामलात हैं जो आपने देखे हैं अभी, जानवरों की शक्लों में हमें चीजें मिल रही हैं, बिल्ली आ रही है, परिंदा आ रहा है, पत्थर गिर रहे हैं। और कमाल की बात ये है मुशारिफ, हमें रीडिंग नहीं मिली है, रीडिंग नहीं मिल रही। ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात भी है हमारे लिए कि हमें रीडिंग नहीं यहाँ से मिल रही है। क्या कोई चीज है यहाँ पे? देख के देख बहुत ध्यान से, ध्यान से। देख के शुभी, एक्चुअली बारिश भी हुई है और उस वजह से काफी किधर हो शुभी, इधर आओ, इधर उधर उधर वो देखो सामने झाड़ी। अस्तग़फ़िर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कौन है? किधर हो शुभी, इधर आओ, इधर उधर उधर वो देखो सामने झाड़ी। अस्तग़फ़िर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कौन है यार इधर? ये दिखाएं, हवा का नामो निशान नहीं है यहाँ पे और सिर्फ एक झाड़ी। शबीर आप ये जानवर तो नहीं देख? बहुत ध्यान से शबीर, बहुत ध्यान से, सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। ये कुछ जानवर बिल्ली शिली तो नहीं है? बिल्ली झाड़ियां कैसे हिला सकती है? अगर इतनी ज्यादा मुझको, हाँ बिल्ली कैसे हिला सकती है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह अकबर। बिल्ली कैसे हिला सकती है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह अकबर। देखिए हम किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही पहुंचा सकते हैं। एक गंदी जगह है और कोई है? ये गिरा है सामने, कैप्चर हुई ये गिरा है सामने, कैप्चर हुई कहाँ पे? बहुत मस्त है ये, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए हमसे बात कर सकते हैं आप, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? इस तरह हमें मत डराइए। अच्छा नाज़रीन अभी ये है कि पुरसरार ये जगह है, बहुत ज्यादा मुशाहिद, बहुत ज्यादा। मतलब बात ये है कि हम यू आर लव अल्लाह अकबर
جی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر نکلو یہاں سے ایک سیکنڈ، یہ کیپچر ہوا ہوگا نا، تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہم اس جگہ پہ انٹر ہو رہے ہیں، اتنی بھاری جگہ ہے کہ وہ چیز ہم ہمارا آنا یہاں پہ اس کو مطلب وہ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے یہاں سے فوراً نکلو، اور وہ قبول نہیں کر رہی ہمارا یہاں پر آنا، چیزوں کو دیکھنا، ہاتھ لگانا، جانوروں کا نظر آنا بالکل سمجھ سے باہر ہے، ریڈنگ نہ ملنا یہ بھی بہت عجیب صورتحال ہے کہ وہ چیز میں ایکچولی وہ اختیار ہے کہ وہ بیٹری ہماری ختم کر دے، اکثر وہ ایسا کیمراز بلر کر دے، اس کے علاوہ ای ایم ایف نہ بجنا، چیزیں ہو رہی ہیں ای ایم ایف نہیں بج رہا، ہمارا اکوپمنٹ نہیں وہ چیز بجانا چاہ رہی، وہ اس چیز پہ اختیار ہے وہ ہم سے کتنی دور ہے یا وہ اس کو ای ایم ایف بجانا چاہ رہی ہے نہیں، لیکن یہاں سے باہر نکل آئے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں مشارف یہاں سے باہر نکلے، مسلسل آوازیں آ رہی ہیں یہاں سے، یا وہ اس کو ای ایم ایف بجانا چاہ رہی ہے نہیں، لیکن یہاں سے باہر نکل آئے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں مشارف یہاں سے باہر نکلے، مسلسل آوازیں آ رہی ہیں یہاں سے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ادھر ہی ہیں، کوئی اور موجودگی دکھا سکتے ہیں، سامنے آ سکتے ہیں، جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں سامنے، ادھر دکھائیں کیمرہ، ادھر رکھیں آپ، ابھی کیمرہ ادھر رکھیے، دیکھیے کون ہے، یہ حرکت ہو رہی ہے مسلسل، استغفر اللہ، میں تو یہاں بالکل بھی ایک پل نہیں ٹھہروں گی مشارف، میں یہاں سے باہر جا رہی ہوں، استغفر اللہ، میں تو یہاں بالکل بھی ایک پل نہیں ٹھہروں گی مشارف، میں یہاں سے باہر جا رہی ہوں، باہر آ جائیے مشارف، باہر آ جائیے، یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے، ہم نے تھوڑا سا یار یہ دکھاؤ، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا، یہاں سے نکلے، اچھا ایک سیکنڈ، کیا آپ جھاڑی کے پیچھے موجود ہیں، مسلسل ہی جھاڑیاں ہل رہی ہیں، اور وہ چیز یار پھر کچھ ہوا یار، ہم تھوڑی دیر ناظرین یہ جگہ کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں، علی آ جائیں، میرا پتہ نہیں کیا عجیب، استغفر اللہ بھاگے یہاں سے، استغفر اللہ، میرا پتہ نہیں کیا عجیب، استغفر اللہ بھاگے یہاں سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پیچھے دکھاتے ہو، کیمرہ رکھے وہاں پر، کیمرہ پلیس کریں وہاں پر، ناظرین ہم نے یہاں پر ای ایم ایف پلیس کر دی ہے، کیمرہ بھی پلیس کر دیا ہے، کیونکہ جو چیز اس روم میں موجود ہے وہ اس وقت تو ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن ای ایم ایف پلیس مشارف ہو گیا، ای ایم ایف پلیس میں نے کر دیا، اور یہ ہے کہ اگر جو بھی یہاں پہ مخلوق ہے ہم یہاں پہ اپنا ایک آلہ لگا کے جا رہے ہیں، ہماری موجودگی میں آپ نے اس کو نہیں بجایا، اور ہم ناظرین دیکھیں گے کہ ہماری غیر موجودگی میں بالکل یہ بچتا ہے یا نہیں، ایک کیمرہ یہاں پلیس کر رہے ہیں اور ہم پوری ٹیم اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں، آئیے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چیز کیا ہے اور موومنٹ کیوں شو کر رہی ہے، امید کرتے ہیں ناظرین ہمیں وہاں پہ کچھ ملے گا جہاں پہ ہم نے کیمرہ پلیس کیا ہے، کوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، خاموشی ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے ہم نے کیپچر نہیں کیا اس کو دوبارہ، ہاں شاید کیپچر ہو ہی نہیں سکی، شاید ہوا کیمرے پہ، امید کرتی ہے ہوا ہوگا کیپچر، چلو دیکھتے ہیں آگے،
جی ناظرین ابھی دیکھتے ہیں مشارف کے وہاں پہ کچھ ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں. اب ہم نے ناظرین وہاں پہ یہ کیمرا آئی تھنک ریکارڈنگ پہ ہی ہے. بالکل ہاں ریکارڈنگ پہ, اور ہم لوگ یہاں پہ لگا گئے تھے اور بالکل اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. استغفر اللہ اف اللہ. ادھر 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 کیمرا اٹھائیے علی, کیمرا اٹھا لیں. ایری کیپچر ہوئی یہ, مجھے امید ہے زوم کریں وہ دیکھو. اللہ اف اللہ استغفر اللہ قدر اس کمرے میں یار نجف. دوبارہ کریں, دوبارہ اس کو بجائیں. ریڈنگ ہمیں دوبارہ دیجیے. یہ ریڈنگ یہ دکھا 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 اللہ اف اللہ اف اللہ. وہ دیکھو بند ہو رہی ہے بند ہو رہی بند ہو رہی ہے. وہ جیسے ناظرین چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے. لیکن وہ اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو بالکل اٹھا لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اب آپ ایڈٹ پہ دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس روم میں انٹر ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے بجا. کین یو مطلب آئی اسٹل میں اس میں ہوں نظر کہ یہ واقعی بج رہا تھا ہمارے سامنے بجا ہے. ایڈٹ میں جو ہوگا وہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے. لیکن اچھا مشارف یہ تو چیز کنفرم ہے جو بھی چیز ہے وہ اس روم میں ہے. اکیلا اس نے ہونے کا ساز نہیں دلایا. اور اب وہ چڑیا کی شکل میں بار بار آئی, جانور کی شکل میں جانور ابھی دوبارہ بول رہے ہیں, بلی کی آنکھیں نظر آئی ہیں. ابھی نظر ایک کام کرتے ہیں, میں تھوڑا اس پورشن کو دیکھ لیتا ہوں, آپ تھوڑا باہر دیکھ لیں, پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے علی آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں. علی آپ میرے ساتھ آئیے. جی ناظرین ابھی نجف جو ہے وہ ساتھ جس کا ایریا ہے وہ دیکھ رہی ہے اور میں اب تھوڑا اس کو اور ایکسپلور کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اکیلے میں اس نے اپنے ہونے کا احساس دلایا. کیمرہ ہم پلیس کر کے گئے تھے, اس میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ جب ہم واپس آئے ہیں جو ای ایم ایف ہے وہ بجا ہے ہمارے ساتھ, ایون کہ میں اس کے پاس گئے ہوں ریڈنگ دی ہے اس کا, تو وہ ایک ہمارے لیے بہت ایک آپ کے لیے بھی ایک کنفرمیشن چیز تھی کہ ہاں وہ یہاں پہ ہے. یہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے, تھوڑا سا اوپر دکھائیے ذرا ارد گرد دکھائیں, بجلی کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ. انڈر کنسٹرکشن گھر ہے, اچانک سے ای ایم ایف کا بجنا اور کسی کی طرف یہ نشاندہی نہیں کر رہا کہ وہ بجلی کی وجہ سے بجا ہوگا. یہاں پہ ناظرین یہ وہ جو جگہ تھی یہاں پہ ای ایم ایف بج رہا تھا, ابھی یہ ڈیٹ ہے یہ آپ دکھائیے, اور یہ بالکل یہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ لکڑی ہے اور یہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے. تھوڑا سا یار یہ ادھر جانے کی کوشش کریں, ادھر راستہ ہے تھوڑا سا چلیں, کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. جی ناظرین میں اور مشارف سپلٹ ہو چکے ہیں اس وقت اور وہ اندر دیکھ رہے ہیں, اندر کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں اس وقت گھر کے باہر ہوں اور یہ جو روڈ جس پر میں ابھی کھڑی ہوئی ہیں, شام کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا, کوئی گزرتا بھی نہیں ہے, ٹھہرنا تو دور کی بات. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹریٹ لائٹ جو کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک تھی لیکن یہ بلنک کر رہی ہے اور پتہ نہیں یہاں پہ کیا معاملات ہیں. اچھا علی اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ اس جگہ کو تھوڑا سا کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں. امید کرتے ہیں کہ کچھ کیپچر ہو اس, بہت گھنا ہے اور اچھا یہ ناظرین وہ جگہ تھی جہاں سے وہ بلی ہمیں نظر آئی اور یہاں بھی ایم ایف بجا. اور کیا کوئی چیز ہے یہاں پہ ناظرین, واپسی کا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے. تھوڑا سا کیا اپنے ہونے کا ساز دلا سکتے ہیں. کوئی ہے
EMF नहीं बज रहा अब ये अचानक से खामोशी हो गई है उसने काफी प्रूफ दिया है थोड़ा सा और इस घर के एक बहुत ही अजीब किस्म के यहाँ पे मामलात हैं समझ नहीं कुछ आ रहा क्योंकि जानवर हमने बहुत से देखे हैं जो कि आसेब की शक्ल में हमारे सामने आए हैं रिकॉर्ड भी हुए हैं और जहाँ पे हमने कैमरा प्लेस किया था वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ मिला ज़रूर है क्योंकि रीडिंग मिली है हमें वहाँ पर और कुछ हरकतें वहाँ पर हुई हैं नाज़िन ये है कि यहाँ पे मामला आपके सामने है वो एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ पे वो चीज़ का बसेरा है और उसकी जो बैक साइड जहाँ नज़र देख रही है वहाँ पे मामला ज़्यादा ख़राब है यही वो चिड़िया वो बिल्ली का दिखना वो EMF का बजना ये सब ये वाजे करते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई गैर मरी मखलूक का बसेरा वाकता है आ रही कुत्ते भी नहीं होंगे ये आवाज आ रही है जिसना कोई विस्पर कर रहा हो ये अली रिकॉर्ड हो रही है आवाज आवाज आ रही है यहाँ से आ रही है कैमरे के सामने आ सकते हैं आप हम जानते हैं आप इस घर में मौजूद थे और ये जगह भी पुरेसरार है नाज़रीन हम जानते हैं आपकी मौजूदगी इधर है कैमरे के सामने आ सकते हैं आवाज आई है बगैर नुकसान पहुंचाए मजीद आगे चलते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए बगैर नुकसान पहुंचाए ये दिखाइए ये जगह किस तरह की है ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें बिल्कुल बस आगे ना जाएं आगे बहुत अजीब किस्म का है डीप जा रहा है और दलदल सी बनी हुई है क्योंकि कुछ मौसम भी ऐसे बात आवाज़ आई है कौन है यहाँ पर मुझे यहाँ के मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है यहाँ मुशारिफ की तरफ चलते हैं देखते हैं मुशारिफ को क्या मिला है जबकि ये बहुत अजीब किस्म का प्लॉट है और डीप ही है और आवाज़ें मुसलसल मुशारिफ यहाँ से आ रही हैं वहाँ से भी यहाँ से भी और आपको पता है जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था ये रोड भी इसी चीजों से मुंसलिक है और यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो गया है यहाँ से गुजरते हैं लोग उनको एग्जैक्टली शाम के बाद कोई भी यहाँ से नहीं गुजरता ठहरना तो दूर की बात है इसके अलावा नाज़िम ये है कि
جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ کیا تھا کہ ہم گزرتے ہیں تو مسئلہ آتا ہے, مزدوروں سے بات چیت ہوتی ہے, یہی معاملہ خراب ہے. تو یہ ہے کہ اندر نجف یہ تھا کہ وہ جو جہاں پہ ہم نے ای ایم ایف ریکرز کے نیچے جو ڈلوان سی جگہ ہے وہاں پہ جا کے دیکھے, خاموشی ہو گئی اب اچانک سے, جیسے وہ چیز موو کر گئی ہے, وہاں سے آئی تھی, ہمیں اپنا ہونے کا ساز دلایا. اور جو اس کا اسپیسیفکلی مسکن ہے وہ کمرہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو بیک سائڈ ہے ادھر وہ چیز پھر رہی ہے, لیکن وہ چیز اس نے اپنے ہونے کا ساز ہمیں چڑیا کی شکل میں, جانور کی شکل میں, بلی کی شکل میں دلوایا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ وہ وہ چیز ہے. اچھا وہ چیز اگر وہاں سے موو کیے تو پھر وہ چیز وہاں پہ آئی, کیونکہ بہت عجیب سی مشارب آوازیں سنی ہیں, مجھے امید ہے کیمرے میں کیپچر ہوئی ہوں گی, مطلب وسپرنگ ہو رہی ہے, چیزیں آپس میں حرکت کر رہی ہیں, کتوں کا بھونکنا, ساری چیزیں یہ معاملات یہاں پر نشاندہی کر رہی ہیں کہ اچھا ای ایم ایف ہم نے جب ہاتھ سے چھوڑ دیا دین وہ چیز نے کیمرے کے سامنے اپنا ہونے کا ساز دلایا ہے. تو یہ کہ ابھی آج کی ایپیسوڈ ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھی, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جنات ہیں یا ایسے معاملات ہیں تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم وہاں پہ جائیں اور تحقیقات کر سکیں, جس طرح آج یہ ہمیں رپورٹ کی گئی تھی جگہ, ہم یہاں پر آئے ہیں, چیزیں دیکھی ہیں, چیزیں ہوئی بھی ہیں. لازمی بتائیں گے کہ ہمیں بلانے سے آپ بالکل نہ ڈریے, ہم وہ جگہ کو ایکسپوز نہیں کریں گے, ایکسپوز نہیں کریں گے, نہ اس کے علاقے کا نام بتائیں گے. اکثر نجف ہمیں لوگوں کا یہ ریشن ملتا ہے, بالکل عموماً ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ بدنام ہو جائے, ہم بدنام ہو جائے, ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا, ہم اس چیز کو ہائٹ رکھیں گے, آپ کی مدد کرنے ہم لوگ آتے ہیں. اور یہ کہ ان فیوچر ہم کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں گے جو بالکل ڈفرینٹ ہوگی آپ لوگوں کے لیے, کسی کے فیملی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کسی کے گھر پہ اثرات ہیں تو ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے لوگوں کی سکرین پہ ہیں. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.